ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 29वें पारे की इब्तदा अल्लाह ताला के अजमत व जलाल और उसके किबरियाई से होती है. सूरह मुल्क से पारे का आगाज होता है और फरमाया जा रहा है कि बाबरकत है वो ज़ात के जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है और वो हर शय पर कादिर है. फिर जिंदगी और मौत का फलसफा इंतहाई मुख्तसर इरशाद फरमाया. फरमाया तो आजमाइश की चीज़ें हैं और जिंदगी और मौत ये इसलिए तख्लीक हुई ताकि ये आजमाया जा सके कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है. तो इंसान को इस आयत पर गौर करना चाहिए और अपने अमल पर नजरसानी करनी चाहिए. फिर फरमाया कि हमने आसमान दुनिया को चिरागों से सजाया यानी सितारों से और शैतानों की रसाई वहां बंद कर दी और उनके लिए जो मुनकिर हैं हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है और वो जो काफिर हैं उनके लिए जहन्नम का अजाब है और बुरा ठिकाना है. अगर अल्लाह की तख्लीक में तुम गौर करो तो तुम्हें कोई उसमें जैसे कहना चाहिए कि फतूर नजर नहीं आएगा. बार बार नजर दौड़ाओ आसमान की तरफ तब भी तुम्हें उसे वाजह पाओगे. और जहां तक यानी दीगर मामलात हैं और उसके मखलूकात में गौर करो तो तुम खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब इतनी मखलूकात इस तरह पैदा हो सकती हैं तो फिर कयामत का आना वो क्यों नामुमकिन है और हमारा उठना ये क्यों नामुमकिन है. तुम्हारा बार बार इस सवाल के लिए परेशान होना कि कयामत क्यों आएगी तुम्हें इसका खुद अंदाजा हो जाएगा. और जहां तक इस बात का ताल्लुक है तुम क्या समझते हो कि एक ऐसा शख्स जो सीधा चल रहा हो वो बेहतर है या वो शख्स बेहतर है जो चेहरे के बल से चलता हो. तो दोनों बराबर नहीं हो सकते और ना दोनों सिरात मुस्तकीम पर सीधे रस्ते पर दोनों नहीं हो सकते. एक ही होगा वही होगा जो बिल्कुल सही चल रहा है. फिर यानी अपने मखलूकात पर मजीद यानी तवज्जो दिलाई और फरमाया कि कौन है जो रिज्क रोक सकता है अल्लाह के अलावा. यानी कोई नहीं रोक सकता और ना कोई किसी को रिज्क दे सकता है अल्लाह के अलावा. तो फिर फरमाया कि फिर ये पूछते हैं कि कयामत कब आएगी. तो ये इनका सवाल बड़ा अजीब है. जब कयामत आ जाएगी तो इनसे फरमाया जाएगा कि ये वो है जिसको तुम झुटलाया करते थे. फिर फरमाया कि अगर अल्लाह यानी मुझे हलाक करने का इरादा कर ले और मेरे साथियों को तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता. और फरमाया कि तुम एक बात पर गौर करो कि अगर जमीन में जो शीरी पानी मौजूद है जिसको पी के इंसान जिंदगी हासिल करता है अगर ये खुश्क हो जाए तो कौन है जो इस पानी को दोबारा यानी तुम्हारे लिए फराहमी की जिम्मेदारी कबूल करे और इस पानी को तुम्हारे लिए फराहम करे. तो यकीनन कोई नहीं है और अल्लाह यानी अपनी मखलूक के साथ जो रवैया रखता है वह इंतहाई नर्म है और उसकी तरफ से मिलने वाली मोहलत की कदर करनी चाहिए. इसके बाद सूरह कलम का आगाज होता है और इसमें कलम की अजमत की बात है कि कलम की कसम खाई जाती है. फिर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जाता है कि आप हरगिज़ काहिन नहीं हैं और ना ही माज़अल्लाह मजनून हैं. आप तो अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज हैं और आपको अल्लाह के बारगाह से वो अज्र मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा. इनको अनकरीब पता चल जाएगा कि मफतून कौन है और अकलमंद कौन है. और आपका रब ये जानता है कि उसके राह से भटका हुआ कौन है और हिदायत पे कौन है. फिर फरमाया कि ऐ मुखातिब झूठे की इत्तबा मत करना. उसके बाद नाम लिए बगैर
एक शख्स के अयूब की निशानदेही फरमाई गई और यह बताया गया कि इस शख्स का किरदार क्या है जो आपके ज़ाते गिरामी का इनकार करता है, और इन लोगों की इत्तबा से मना फरमाया गया। फिर एक मिसाल के तौर पर बाग वालों का वाकया बयान फरमाया गया। इन बाग वालों की हालत यह थी कि उनके पास नेमतें सब मौजूद थीं, लेकिन वो अल्लाह के राह में देना नहीं चाहते थे। तो उनका जो बाग था ये सोते रह गए और बाग का काम तमाम हो गया, यानी बाग जल गया। तो फिर इन्होंने ये कहा कि हम लोग जालिमों से थे और हमें ये नहीं करना चाहिए था। मक्के वालों को इस मिसाल के जरिए यह समझाया गया कि तुम्हारा हशर भी एक दिन यही होगा, जब तुम कयामत को अपने सामने देखोगे तो तुम खुद मजबूर हो जाओगे सोचने पर कि हमें यह नहीं करना चाहिए था जो हमने किया। फरमाया कज़ालिक अल-अज़ाब, इसी तरह अजाब आया करता है। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब इससे बहुत बड़ा है, यानी दुनिया में जो नुकसान हो जाए इसके मुकाबले में आखिरत का नुकसान बहुत बड़ा है, काश के वो समझें। फिर फरमाया कि जो मुत्तकीन हैं वो जन्नत में होंगे, और मुत्तकीन और फुज्जार यानी काफिर ये बराबर नहीं हो सकते, तुम कैसे दोनों को बराबर करते हो। फिर फरमाया कि कयामत का दिन वो होगा कि सजदा न करने वालों को सजदे का हुक्म दिया जाएगा, ये सजदा करना चाहेंगे और इनकी कमरें जो हैं वो तख्ता हो चुके होंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। ये इनके लिए कितने शर्म का मकाम होगा कि दुनिया में इनसे कहा जाता है सजदा करो तो ये करते नहीं थे, आज जब ये करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तो फरमाया कि सजदा करने के लिए इनमें कुव्वत बाकी नहीं रहेगी। फिर फरमाया कि जो हमारी बात को झुठलाते हैं उनको और हमें तन्हा छोड़ दें, अनकरीब इनको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाकर यह फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र फरमाएं और तसल्ली रखें, कुफार का मामला अल्लाह ताला खुद देख लेगा। और फरमाया कि फर तबाह रब्बहू, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया और उनको सालहीन में से बना दिया। फिर यह बताया गया कि कुफार जो हैं वह आपकी तरफ नजर बद लगाते हैं। यह कुरान जो है, जब यह कुरान को सुनते हैं तो यह कहते हैं माजल्ला यह मजनून का कलाम है। तो अनकरीब इनको पता चल जाएगा कि असल मामला क्या है। और कुरान मजीद सिवाय नसीहत के कुछ नहीं है, लेकिन नसीहत कबूल करने वालों के लिए नसीहत है यह। फिर सूरह हाक्का का आगाज होता है, इसमें भी कयामत का जिक्र है, और इसमें यानी कौम समूद, कौम फिरौन, कौम आद, इनकी हलाकतों का जिक्र फरमाया गया है। और फिर बताया गया कि इनकी हलाकत की दास्तानें पढ़ने के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तबाही नामुमकिन क्यों है। और ये इसलिए लेना जालाहा लकुम तज़किरतन, ये वाकयात इसलिए ताकि तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। और फरमाया कि जो आने वाली है वो तो आकर रहेगी, फयाउम इज़ वक़ातिल वाक़िया, और उस दिन होगा क्या कि आठ फरिश्ते आपके रब का अर्श उठाए हुए होंगे। फिर फरमाया कि उस दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके दाएं हाथ में उनका नाम अमल दिया जाएगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। फयकूल हा ओ मुकरा किताबिया, वो कहेंगे ये हमारा नाम अमल ऐसे पढ़ो, और वो ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। और वो ये कहेंगे इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मेरा ख्याल ये था कि हमारा हिसाब शायद ऐसा ही होगा। फिर फरमाया कि उनसे कहा जाएगा कि तुम खाओ और पियो, और ये इसलिए कि बिमा असलफ तुमने जो वक्त गुजारा वो अय्याम खालिया की हैसियत से, यानी तुम भूखे प्यासे रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये खुशखबरी रमजान के रोजे रखने वालों के लिए है,